वैसे रो क्यों रही थी? खा गया ना धोखा तू भी? अरे आंसू नहीं है, ग्रिसलिन है, ग्रिसलिन मालूम है क्या? ये क्या कमाल का चीज है मालूम है? एक बार आंख में डालेगा ना तो पानी गिरना बंद ही नहीं होता मालूम है क्या? लेकिन ये नाटक करने की जरूरत क्या थी? जरूरत कैसे नहीं, ये सारा दुनिया को कैसे पता चलेगा कि मैं तेरी बहन की असली भाभी है करके? हाँ अच्छा तू बोल मेरे को, मेरा एक्टिंग कैसा लगा तेरे को? हाँ क्यों ससुर जी, बड़ी बहू कैसी लगी है? यकीन नहीं हो रहा। एक पल के लिए तो मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं ये वैदेही तो नहीं। नहीं, ऐसा सोचिए भी मत, क्योंकि ये वैदेही नहीं, ये तो बस्ती में रहने वाली एक लड़की है। और आज इसने साबित कर दिया अपनी चलाकी से ये इस दुनिया को भी बेच सकती है। मान गए। जा की शादी के साथ ही इस लड़की को यहाँ लाने का मकसद भी पूरा हो गया। अब हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसे कहिए कि यहाँ से चली जाइए। ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। जब तक मैं इसके जाने का फैसला नहीं कर लेता तब तक ये इसी घर में रहेगी। हाँ अगर आप में से किसी को इसके यहां रहने से तकलीफ, वो रहा दरवाजा, शौक से जा सकते हैं। मगर ये लड़की यहीं रहेगी, इसी घर। आप किसी भी लड़की को वैदेही? आकाश अपना आज का पगार दे, ऐसा घूरता क्या है? देना अपना पैसा, निकाल पैसा। मैंने कहा था मैं तुम्हें पूरे 7 दिन के लिए पैसे दूंगा। 7 दिन? इधर 7 मिनट का भरोसा नहीं है, तू 7 दिन का बात कर रहा है? अपनी मम्मा को देखा ना कैसी भड़केली थी। अभी कल को अगर तू उसकी बाता में आके मेरे को इस घर से बाहर निकालेगा तो मैं किधर जाएगी, क्या करेगी, अपना पैसा किधर से निकलवाएगी? बोल, पुलिस स्टेशन में जाके क्या रिपोर्ट लिखवाएगी कि ये आदमी ने मेरे को वादा किया था कि अपना झूठा बीवी बनाने के लिए मेरे को पैसा देगा और अभी मुकर रहे लाए हैं? तेरे से पहले पुलिस मेरे को अंदर करेगी, समझा क्या? इसके वास्ते अपुन को रोज के रोज अपना पैसा मांगता है ताकि बाद में कोई चिक चिक ना हो। चल अभी निकल जल्दी, वरना अपुन को भी तेरे जैसा ना हाइपर टेंशन हो जाएगा। चल ठीक है, देता हूं। थैंक यू। कमाल की लड़की है आर्यन, कमाल, बिल्कुल हम जैसी। मुझे इस लड़की का और तुम्हारा ये आइडिया बेहद पसंद आया। बोला थैंक्स डैड, पर इसे 7 दिन तक हमें यहीं रखना होगा, तभी तो सभी को विश्वास होगा।
कि हमारी बहू वैदेही मरी नहीं, जिंदा है और हमारे साथ है। Let's celebrate our time travel drink. Come on. बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो तुम दोनों, क्योंकि ये तुम्हारी खुशियों की शुरुआत नहीं, अंत है। 7 दिन तो क्या, मैं तब तक इस घर से नहीं जाऊंगी जब तक कि अपने हर सपने की कीमत मैं तुमसे वसूल नहीं लेती। सुनो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। हाँ चल। क्यों रोका माँ, क्यों रोका मुझे? पूछ लेने देते कि आखिर वो लोग चाहते क्या है। हम कब तक चुप रहेंगे माँ? हाँ, आपने कहा था कि भूमि जा की शादी हो जाने दो, तब तक रुक जाओ, उन्हें कोई सवाल मत कर। भूमि जा घर भी जा चुकी है तो ये बंदिश क्यों? जब वैदेही जिंदा ही नहीं है तो उसकी हम शक्ल लाकर इस घर में क्या मकसद पूरा करना चाहते हैं? बोलिए मॉम, आप चुप क्यों हैं? तुम्हारी आदत नहीं सुधरी आकाश। मैं बताता हूं तुम्हें, आज भी तुमने अपने सवालों के जवाब के लिए गलत इंसान को चुना है। ये क्या जवाब देंगे, क्या बताते मीडिया को, क्या बताते पूरी दुनिया को कि जयसिंह खानदान की बहू इस घर से भाग गई, और वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो इस घर के परिवार का एक हिस्सा था। क्या कहते मीडिया से कि उसके बाद उसने उसी का कत्ल कर दिया जिस इंसान के प्यार में डूबकर वो इस घर से भागी थी, उसी को मौत के घाट उतार दिया और फिर इस जुर्म की सजा काटने के लिए जेल में रहे। क्या बताएंगे कि इस घर से उसे भगाने में मदद की मेरी मां ने, मेरी अपनी मां ने? क्या बताएंगे कि शहर के सबसे इज्जतदार आदमी हर्षवर्धन जयसिंह की इज्जत उन्हीं की पत्नी ने साख पर रख दी? दो मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इस खबर को आग की तरह फैलने में। सोचो आकाश, सिर्फ सोचो, क्या होगा जब भूमिजा को इस बारे में पता लग गया, जब उसकी नई नई शादी पर इस आग की लपटें पहुंचेंगी। एंड डोंट फॉरगेट, अभी नताशा की भी शादी करनी है। ये सच्चाई जानने के बाद कौन करेगा नताशा से शादी? आराम से सोचो। क्या आर्यन सच कह रहा? क्या आपने नील और वैदेही को? हाँ, मैंने ही। क्यों माँ, आखिर क्यों? वजह नहीं बता सकती बेटा, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया कुछ गलत नहीं किया। यकीन रखना बेटा, तुम्हारी माँ कभी कुछ गलत नहीं करेगी, इतना विश्वास तो है ना बेटा। गलत और सही में फर्क तो तब होता है माँ, जब पूरा सच आंखों के सामने हो। पर इस घर में तो हर इंसान अपने चेहरे के पीछे कोई ना कोई राज छिपाए, यहाँ तक कि आप भी। वैदेही के इस घर से भागने के पीछे वजह कोई और है, और उसका पता मैं लगा कर ही रहूंगा। आकाश बेटा, तू घर छोड़ के तो नहीं जाएगा ना? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये है तुम्हारा कमरा। हाँ,
छी, ये कमरा है, कबूतर खाना है, कबूतर खाना। तू इच रे इधर। अरे इससे अच्छी तो मेरी चाल की खोली है रे। किधर है तेरा वो साहब, उसको बुला इधर, उसी से डायरेक्ट बात करती है मैं। क्या बुलाएगी, मैच देखती है। ए आर्यन, किधर है रे आर्यन? ए आर्यन, कर रे बाहर निकल। सुन तो, सुनो तो। अरे किधर छुप गया है, उठ आर्यन। ए क्या रे, अरे चिल्लाओ मत। चिल्लाओ नहीं तो क्या, नाचू क्या? हां इतना बड़ा महल के जैसा घर बना के रखा है और मेरे को वो छोटा सा सड़ेला सा कमरा दे के रखा है, मैं क्या चुप रहेगी क्या? हां अभी वो आर्यन मेरे सामने नहीं आएगा ना तो इतना जोर के चिल्लाएगी आपका खानदान जग जाएगा, समझी क्या? ए आर्यन, किधर मुंह छुपा के बैठा रे? हां सो गया। अरे सुन तो, किधर है तू आर्यन? आर्यन मस्त कमरा है रे, मेरे को ये चलेगा? बड़ी बहू के लिए एकदम मस्त बड़ा कमरा। तुम यहाँ नहीं रह सकती, मैं तो इधर ही रहेगी, समझी क्या? क्या बात है, चिल्ला क्यों रही हो? इधर है तू, मैं कब से तेरे को आवाज दे रही है, सुनाई नहीं दे? अरे हाँ, तेरे को तो कम सुनाई देता है ना। मेरे को एक बात बता, तू तू मेरे को इतना सड़ा हुआ कमरा काहे को दिया है रे? हाँ देख आर्यन, तू इच मेरे को बोला ना कि मेरे को अभी तुम लोग के माफिक रहने को मांगता है, बोला कि नहीं? बोला कि नहीं? तो फिर मेरा कमरा भी ऐसा टॉप क्लास रहने को मांगता है, इसीलिए मैंने तो डिसाइड किया है कि मैं तो इधर ही रहेगी। ये मस्त बड़ा है, इसका डेकोरेशन भी अच्छा है, तो मैं इधर ही रहेगी। लेकिन ये मेरा कमरा है। तो मैं भी तो तेरी बीवी है ना, झूठी मूठी की सही लेकिन बीबी तो है ना। Shut up. चल रे आइटम, इसका सामान वो कबाड़ खाने में रख दे और मेरा सामान लेकर आ इधर जा। लेकिन ये ज्यादा लेकिन बिकिन करेगा ना तो मैं ऐसे ही रिटर्न वापस चली जाएगी, समझा क्या? तू फिर बैठ अपने कमरे में। ए चल रे, मेरा सामान लेके आ, चल। रुको, माया इसे मेरा कमरा दे दो और मेरा सामान किसी और कमरे में शिफ्ट कर दो। आज इस घर में ये मेरी पहली जीत है, तुमसे हर अन्याय का बदला लूंगी मैं आर्यन। भाभी ये है आपका कमरा, कैसा लगा रूम? अच्छा है ना? अच्छा भाभी एक बात कहूं, वैसे तो हम रिश्ते में ननद भाभी, लेकिन अगर हम दोस्त बन के रहे ना तो ज्यादा मजा आएगा। व्हाट्स इट? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओके, आई अंडरस्टैंड कि मैं इस वक्त आपको बहुत परेशान कर रही हूँ, है ना? नो मोर, मैं अभी जाती हूँ और भैया को वापस भेजती हूँ। जी नहीं, आज सिद्धार्थ इस कमरे में नहीं आएगा, बल्कि बहू को आज हमारे साथ माता के मंदिर वाले कमरे में सोना पड़ेगा, क्योंकि यही इस घर की परंपरा है। हाउ अनरोमांटिक, कैसी परंपरा है ये? बेटा परंपरा तो परंपरा होती है, उसको निभाना हमारा फर्ज है। तुम बहू को लेकर आ जाओ। बेटा आज से तुम इस घर का हिस्सा हो गई हो, कि ये घर, यहाँ के लोग सब तुम्हारे अपने हैं, इन सबको बहुत खुश रखना। चलो माता का आशीर्वाद लेते हैं। माँ मुझे एक ग्लास पानी चाहिए था। तुम यहाँ पानी लेने आए हो या फिर कुछ और? चलो बेटा सोने की तैयारी। मम्मा आपको पापा बुला रहे हैं। मुझे? हाँ। थैंक गॉड, ये आइडिया काम आ गया। भैया आपके
यहाँ आने का पता अगर मॉम को चल गया तो? इसलिए तो तू यहाँ से जा और मॉम पर नजर रख, क्योंकि अगर तू यहाँ पर है तो मॉम को यहाँ से भेजने का क्या फायदा। चल भाग यहाँ से, भाग 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 जल्दी भाग 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 भाग। सिद्धार्थ बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से। लगता है आज रात हमारी दाल नहीं है। कोशिश करता हूँ आपको सुलाने की। लोरी का चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। I'm sorry, मुझे हंसना नहीं चाहिए। आज तुम्हारी मौत का बदला तो ले सकती हूँ, पर तुम्हारी जिंदगी वापस नहीं ला सकती। आर्यन और हर्षवर्धन जयसिंह की खुशी आज मेरी मुट्ठी में है, पर तुम्हारे नाम की खुशियाँ आज मेरे हाथों से मिट गई है। नहीं, मेरा मकसद भले ही पूरा हो जाए, भले ही मुझे अपनी मंजिल आसानी से मिल जाए, पर तुम मुझे कभी हासिल नहीं हो पाओगे। नहीं, क्यों छोड़ कर गए तुम मुझे, क्यों? हे देव, अगर वाकई तुम्हारे हाथों में चमत्कार करने की शक्ति है तो आज साबित करो अपनी उस शक्ति को। मुझे मेरा नील लौटा दो, मुझे मेरा नील लौटा दो देवी माँ, मुझे मेरा नील लौटा दो।